नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वो मरना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने जिंदगी जीना सीखा था और दूसरों को जिंदगी देना भी। वो नहीं मरना चाहती थी लेकिन किस्मत में जीना और लिखा नहीं था। इस कोरोना काल में दूसरों को बचाते बचाते खुद जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन छोड़ गई एक दिल को छू देने वाला मैसेज जिसे सुनकर कोई भी रो पड़ेगा। बहुत दिनों से वो जंग लड़ रही थी जिंदगी की, लेकिन जंग लड़ते लड़ते वो आखिरकार हार गई। वो अभी मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे अपने 3.5 साल के बेटे और गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे का दुख मरते दम तक सता रहा था और बार बार ख्याल आ रहा था कि वो बच जाए अपने बच्चों के लिए। पर सामने खड़ी मौत के आगोश में समाने के पहले दिल्ली की एक गर्भवती महिला डॉक्टर अपने ऊपर बीत रहे दुखों को बयां कर लोगों को कोरोना को हल्के में ना लेने की सीख देकर विदा हो गई। मौत से पहले बनाए गए वीडियो में वो कह रही है कि कोरोना को हल्के में ना लेना, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस वीडियो के बाद ही दीपिका चावला नाम की एक डेंटिस्ट कोरोना से जिंदगी की जंग हार गई। 11 अप्रैल को कोरोना उसे हुआ था और 26 अप्रैल को अंतिम सांस ली। दीपिका गर्भवती थी। सुनिए और देखिए वो आखिरी मैसेज। उसने कई सपने देखे थे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर, लेकिन उसका वो बच्चा भी दुनिया नहीं देख सका। ये वीडियो बना रही हूँ बहुत मुश्किल से। आई रियली वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन जो मुझे जानता है, प्लीज डोंट टेक कोरोना सो लाइटली। वेरी बैड सिम्टम्स। आई एम नॉट एबल टू स्पीक बट आई रियली वॉन्ट टू कन्वे माई मैसेज टू ऑल। प्लीज वेयर मास्क वेन एवर यू गो आउटसाइड, वेन एवर यू इंटरैक्ट विद पीपल, ईदर इट इज आउटसाइड ईदर एट होम for your near one and dear one safety। वीडियो में आगे कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी हालत किसी की भी ना हो, खास तौर से प्रेगनेंसी के दौरान। मैं नहीं चाहती किसी की भी ऐसी कंडीशन हो। प्लीज अपने परिवार को बताइए कि कोरोना को हल्के में ना लें। प्लीज गैर जिम्मेदार मत होइए। अपने मास्क जरूर पहनिए तभी बाहर निकलिए। सबसे ज्यादा मैंने इस समय अपनी पूरी जान लगा दी। मैं कभी इस तरह से बैठने वाली नहीं थी। मैं हमेशा काम करना चाहती थी, हमेशा सीखना चाहती थी। उनके पति रवीश ने ये वीडियो खुद मदर्स डे पर शेयर किया था ताकि लोगों तक दीपिका संदेश पहुंचा सके। दीपिका नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस दर्द से गुजरना पड़े। उनके इस वीडियो को लोग देख रहे हैं और उनके परिवार को संवेदनाएं भी दे रहे हैं। I really pray ये कंडीशन किसी की भी ना हो, एंड स्पेशली ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। आई रियली डोंट वांट किसी को भी ये सिम्टम्स आए। प्लीज टेल योर फैमिली मेंबर्स डोंट टेक इट सो लाइटली। प्लीज इररिस्पॉन्सिबल मत हो, अपने अपने मास्क पहन के बाहर निकलो। अगर आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, डोंट रिमूव योर मास्क, क्योंकि आपके घर में देयर आर सम ओल्डर पीपल, देयर आर सम चिल्ड्रन, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। मैं कभी इस तरीके से बैठने वाली नहीं हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क, आई ऑलवेज वॉन्ट टू रन, आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉक, आई वॉज एक्टिव। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो लापरवाह लोग हैं वो समझ गए होंगे कि कोरोना कितना घातक है। कि एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी और जो बच्चा पहले था उसे पालना चाहती थी, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।